नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ट्रैकिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास जियो का सिम है और आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त नेट की स्पीड जो है काफ़ी ही स्लो रहती है और आप जो भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं उसमें आपको ज़्यादा ही परेशानी आ जाती है, क्योंकि वो ओपन नहीं होते हैं, नेट की स्पीड की वजह से आप उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जियो की स्पीड को इंक्रीज करने के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। तो चलिए, बिना टाइम गवाए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आ चुका हूं। तो सिंपली आपको सबसे पहले यहां पे आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। चलिए मैं आपको जाके दिखा देता हूं। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहां पे आपको सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद यहां पे देख लेना है जियो का सिम किस स्लॉट में पड़ा हुआ है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए, मेरा वन पे पड़ा है तो मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एसएस पॉइंट नेम्स का, तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने एक न्यू एपीएन क्रिएट किया था, तो यहाँ पे न्यू एपीएन आपको क्रिएट नहीं करना है। यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको रिसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये डिफ़ॉल्ट है जो हो जाएगा। बस आपकी सेटिंग यहाँ पर पूरी हो जाती है। आप बैक करेंगे, मैं दोबारा से बैक होकर यहाँ पे आपको YouTube चलाकर दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से अपना ये नेट फास्ट हो गया है इसका। एक बार इस ट्रिक को आप भी करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा जो नेट है काफ़ी फास्ट हो गया है। पहले मुझे YouTube वगैरह अपना यूज करने में काफ़ी समस्या आ रही थी, तो इस ट्रिक के माध्यम से मैंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से इस ट्रिक को फॉलो करके अपने जियो के जो नंबर पे नेट की प्रॉब्लम आ रही थी स्पीड की, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।